नमस्कार मंतव्य सहित तो अपूर्व मंतव्यर वर्तमान विषय वस्तु रही न्याय पाई लड़े गतकाल राजधानी में सातटी परिवार लोक एकाठी होते किए निज भाई को हरई किए निज पुओ को हरई किए निज स्वामी को हरई से एकाठी राज्य सरकार जो भाव राज्य पुलिस से प्रति क्रमगत भाव अन्याय कर न्याय देवाई एपर्यंत राज्य सरकार तत्परता प्रकाश करूना ये अभोग आणवा सहित सात पर एकाठी होती और राज्य सरकार के विरोध में ए लड़ई को जेपर्यंत से न्याय न मिली से पर्यंत से लड़े जारी रही है बोली परिवार तरफ प्रतिक्रिया आसी आलोचना आरंभ करवा आम सहित रे आडवोकेट सुरेंद्र पाणिग्राही आम सहित वर्तमान अच्छा दिलीप साहू जे कि दीप्तिरंजन साहू का भाई दीप्तिरंजन साहू हो से ही व्यक्ति जे कि फेब्रुआरी 2014-28 हत्या कर आरोप आसूँ मंत्री प्रताप जेना तेणु के राज्य सरकार और राज्य पुलिस से तदंत को आगे बढ़े ना एवं परिवार एपर्यंत न्याय पाइन अभियोग कर तो दिलीप साहू जे कि दीप्तिकांत साहू का भाई आम सहित अच्छा अधिक आलोचनापी संयुक्त साहू आपन को स्वागत करुच्छे आलोचना को प्रथम तो जानवाक चाहिए जे पूरा घटना कौन 2014 एपर्यंत आप द्वार को जाती न्यायपाई से कौन कौन सब प्रतिक्रिया मिली कौन उत्तर मिली आपन को नमस्कार दिलीप कुमार साहू महांगा बाजीपुरा समस्त दर्शक नमस्कार आज्ञा 2014 मसीहा फेब्रुआरी मस 28 तारीख में मो भाई दीप्तिकांत साहू को बाजपुरार जे थिला स्टैंडिंग सरपंच ता भाई फायरिंग करी गोली कर देला 2028 फेब्रुआरी मस 29 तारीख में मु महांगा थाना एक लिखित अभियोग कली आठ जन ना एक लिखित अभियोग कली पुलिस पांच जन को गिरफ कला एवं जी जहाँ को मुख्य अभियुक्त को मु एफआईआर रे मुख्य अभियुक्त करी प्रशांत किशोर राउत और अप नंडा जेहेतु से प्रताप जेना राइट हैंड बा शासक दल एजेंडा हे थिबारु सेथिपाई पुलिस ताठे कोनोसी पदक्षेप नेलानी मुख्यमंत्री राज्यपाल उच्च न्यायालय ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति गोटे लेखी थी सत्वे भी कौन सी न्याय मिल पारा ना जेहेतु से मंत्री प्रताप जेना खास अनुगत एवं मंत्री प्रताप जेना गोटे इलेक्शन एजेंडा से आज्ञा पुलिस प्रशासन पूरा नीरव एवं पुलिस कौन सी एक्शन नेला ना आज्ञा तापरे जो चारिज गिरफ हेले छ मास 10 दिन पर बेल आसिले मुख्य अभियुक्त प्रशांत राउत रही अन्य अभियुक्त 11 जन को एफआईआर कली पुलिस कहा को गिरफ न करी मो केस टी को फाइनल रिपोर्ट कर देला मु कौन सी न्याय पाई ना एवं मु न आ गया मो परी 10 टी परिवार कुजंग 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 रो अमृत दास आदित्य दास को बापा बहु परी बापा बहु पिहु को बापा मा जते आगे आमे 10 परिवार काली एवं बारीपदार अक्षय पथल काली आमे राजधानी रे एकाठी होइथिलु एवं गोटे मंदिर रे निष्पत्ति नेइथिलु ए बाबद रे आमे माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा को जणैबु एवं राज्यपाल को जणैबु या सत्ते जदि आमको राज्य सरकार न्याय देबारे विफल होंती कि राज्य पुलिस न्याय देबारे विफल होंती ताहाले आमे निश्चिंत ए कथा भारतर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भेट करी तांकु मध्य जणैबु एवं भारतर महामहिम राष्ट्रपति जनइबु तापर आगे आमे संसद आगरे धारणा रे बसिबु ए लड़े आगे एमती जारी रहिबो जेपर्यंत आमे जो 10 परिवार न्याय न पाइजु एवं राज्य पुलिस आ राज्य सरकार आमको न्याय न देइचंती ओके
तो अनंत महांती आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त अनंत महांती आपको स्वागत करुच आलोचना को सात परिवार एकाठी अनेक दिन धरी न्याय न पाइबा कौन दर्शाऊ राज्य में आईन श्रृंखला अवस्था संपूर्ण विपर्यस्त जे सातटी परिवार न्याय पाऊना मस मस धरी वर्ष वर्ष धरी आेष एकाठी होगा बाध्य जे के भावे पर सदस्य को न्याय मिलू से न्याय मिलू आईन श्रृंखला परिस्थिति जे के विपर्यस्त यह ही दर्शाऊनी कि ओडिशार शासन माने हरेकृष्ण महताब जेतेले की प्रथम प्रधानमंत्री हेला परे परवर्ती क्षेत्र में 14 दिन मुख्यमंत्री पदवी आरंभ ही शासन व्यवस्था हला सेई दिन ठारु आज पर्यंत राजरास्ता को जेते बेले उल्लाउथले कृषक उल्लाउथले निज दाबी पई शिक्षक उल्लाउथले निज दाबी पई बा कर्मचारी विभिन्न संगठन उल्लाउथले निजर दाबी पई जे सरकार से न्याय दाबी पूर्ण करता गोटे प्रथम घटना इतिहास एवं संविधान रे बोध हुए प्रथम घटना समग्र भारत वर्ष गोटे संगठन नौटि की न्याय पाइले ना एवं समस्त पीड़िता मान को एकजुट हवाक पड़ा शेषे न्याय भिक्षा करने न्याय भिक्षा करने गोटे संघ दरकार एवं जिते पीड़िता अच्छा समस्ते सम्मिलित हेले ए व्यवस्था संपूर्ण रूपे अंगुली निर्देश करुच्चे आम राज्य सरकार आम राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति केते भुसुड़ी पड़ी पुलिस बाहाबा पणिया को संपूर्ण रूपे दांडरे पखाली देछि जे एभली एक व्यवस्था निजे आजिकार पदवी रे बसिथिबा डीजीपी महोदय देखंतु जे क्यों स्तर को शासन एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति राज्य गति करिछि एवं आईन व्यवस्था रे राज्य सरकार गृह विभाग केते अपारग रहिछि जहा फल दस टी रु पंदर टी परिवार दीर्घ वर्ष हला पीड़ित हला परे एकजुट हेले निजर न्याय भिक्षा करिबा पई जोटा कि गणतंत्र रो राज्य राज्य सरकार एवं गणतंत्र रो हिसाब रे चालू थवा गुडे राज्य सरकार प्रथम कर्तव्य जे लोकंकु शांति श्रृंखला रे जीबा पई समय देबा जीबा पई व्यवस्था करिबा सेमानकु न्याय प्रदान करिबा शेषे ओडिशा एभली एक राज्य हला जोटिके न्याय भिक्षा करने न्याय पाइबा पीड़िता मान गोटे संगठन या आश्चर्य कथा ये गोटे कथा जल जल प्रदर्शित करुच्छे आम राज्य सरकार आईन व्यवस्था किभली एवं पुलिसिंग सिस्टम कौन कि राज्य सरकार तरफ तो बारंबार कहुई ना पुलिस कहीपर्यंत न्याय न मिलचे से पर्यंत पुलिस सहित अच्छी ता सत्य आपको लगुच अविश्वास को ने पुलिस की पुलिस को आगे समय दरकार एक कथा देखो अविश्वास को नौना कि मु अविश्वास को नौनी अविश्वास वर्तमान ने साधारण जनता ए राज्य जनता वर्तमान नौ जो दस टी परिवार एकजुट हेले कौ तारीख से घटनावल घटला एवं कौ दिन केस डायरी से सबमिट कले राज्य सरकार पार्टी रे कहले हबनी राज्य सरकार कार्यक्रम आपे आपे प्रमाणित करुच्ची संवेदन अच्छा जो लोक मानक न्याय मिलूना विलंबित न्याय प्रक्रिया एवं विलंबित न्याय न्याय कणाजीब ना पिहू परी केस रे आपण देखिले स्पष्ट भाव कौन कला पुलिस व्यवस्था जे आज पर्यंत 13 नंबर मुदाला को आनी इंटरोगेशन हे परिला कि तदंत भीतर को नहीं परिले कि यदि हे परिले गोटे मिनिट कहबे ताले कि कोनी भाबे हबो बुझलि आ गोटे कथा हला जटे कि नयागढ़ रो कथा रे सरोज सेठी को गिरफ हला परे तारो केस परी केस चुडांत प्रक्रिया केते दूर आसिला एणु जोटी जो व्यवस्था रे आईन मंत्री एवं उच्च शिक्षा विभाग रे मंत्री से माने संश्लिष्ट रहउचंती इशारा रे कार्य घटुची राज्य सरकार मुख्य गृह विभाग मुखिया जी से नीरव रहउचंती दस दस टी परिवार दांडरे आज आज न्याय भिक्षा करुचंती विधानसभा आगरे किए निजे आत्महुति करुची न्याय पाइबा पई एटा गोटे कथा आपण कहउचंती दिलीप साहू किसी कहूँ अनंत महांती अटकवाक चाहिए आपको
दिलीप साहू आम सहित लगातार अच्छा से किसी कहवाक चाहते श्रीयुक्त साहू कहतु तो आम राज्यवासी देखुथिबे जे बहुत चर्चित महांगा डबल मर्डर मर्डरर कुलमणि बराल एवं दिव्यसिंह बराल को किपरि अति नृशंस भाव हत्या कले एवं ता देरे 13 नंबर मुदाल रहिले श्रीयुक्त प्रताप जेना जे कि आईन मंत्री आईन और पंचायत राज विभाग दुई दुईटी बड़ विभाग मंत्री अच्छा आज्ञा पुलिस साधारण लोकटे जदि थाना को गोटे जमीवाड़ी केस रे जाउची ताकू आज्ञा तीन थर डाकी थाना रे बसई पचारी माड़ मारी सोदी आज्ञा विदा करुची जेहेतु कौन आईन मंत्री को पाई गोटे आईन साधारण लोक पाई कौन एटा गोटे आईन आज्ञा आपण माने जानिथिबे गणतंत्र रे को विधि व्यवस्था अछि जणे मर्डर 302 आसामी एवं 13 नंबर मुदाला मंत्री प्रताप जेना को पुलिस एस्कॉर्ट रे नबा एटा मु भाबुची बोधे गणतंत्र रो गोटा अपमान आज्ञा आपण माने भी जानुथिबे मंत्री के एस्कॉर्ट रे महांगा पुलिस नबो आ पचारिबा त कथा आज्ञा दूर रो कथा तांको इन्वेस्टिगेशन को आनिबा आज्ञा से आउरी दूर रो कथा तांको पुलिस एस्कॉर्ट रे नउची एवं प्रति सभा समिति रे तांको सुरक्षा दउची एटा आपण माने ओ राज्यवासी देखुथिबे जे पुलिस रो आईन व्यवस्था एठी किपरि जदि आज्ञा हैदर को पुलिस 5 दिने धरि परिला ताहाले जदि एते पारगता पुलिस राज्य पुलिस जदि एते दक्ष ताहाले 5 वर्ष 7 वर्ष वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हलाणी जे मर्डरर को खोजि पाउनी किपरि आज्ञा मु राज्य पुलिस की गोटे आपण को गणमाध्यम माध्यम रे मु प्रश्न पचारुची जे पुलिस रो मुख्य जे पुलिस डीजीगी मोर एटा व्यक्तिगत प्रश्न जदि हैदर बढ़िया लोक को खसई देले तो सी आज्ञा गोटे कथा केमिति खसिला जणे कुख्यात अपराधी केमिति खसिला एवं जदि खसिला जदि पुलिस जण को नहीं आपणकर राज्य पुलिस ऊपर भरोसा अछि ना नाही जे राज्य पुलिस आपण को न्याय देबे राज्य सरकार न्याय देबो ए भरोसा अछि ना नाही राज्य सरकार हूँ राज्य पुलिस मुख्य हूँ ये केबे भी न्याय दे पारिबे नाही सेतिपाई आमे निष्पत्ति नेइछु आमर दाबी राज्य सरकार को पाखरे आमे गोटे समय सीमा भी रखिबु राज्य सरकार को पाखरे आम दाबी रहिबो एवं पुलिस मुख्य को पाखरे आम दाबी रहिबो आमको जदि 30 रु 45 दिन भितरे राज्य सरकार हूँ पुलिस मुख्य हूँ आम जदि न्याय न देबे आमे बाध्य होई माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति की भेटिबो आ निश्चिंत आज्ञा पार्लियामेंट आगरे बसिबो एटा राज्य सरकार को अपारगता राज्य पुलिस रो अपारगता दिल्ली दरबार रे पहुंचाइबो सुक्त दिलीप साहू दीर्घ 7 वर्ष धरि आपण न्यायिक लड़ाई लड़ुछंती ए पर्यंत आपण डीजी को पाखु जाइछंती मुख्यमंत्री को पाखरे गुहारी करिछंती जिलापाल को पाखरे मध्य गुहारी करिछंती किंतु केउठी कोन संतोषजनक उत्तर आपण पाइनाहंती प्रकृत राज्य पुलिस कौन अपारक जे 7 वर्ष बीतलाणी एपर्यंत आपन को न्याय दे पारिना प्रकृत राज्य पुलिस हत्याकारी को खोजी पाऊ ना केउटना केउटी राज्य पुलिस हत्याकारी को खोजी पाइबार प्रचेषा ही करू ना प्रकृत कारण कौन केवल राजनैतिक प्रच्छद पट जो ये घटना घटी ना केउटना केउटी पुलिस चाहते एपर्यंत हत्याकारी को गिरफ्त कर पारि था गिरफ्त कर पार ना आज्ञा आपण जो कथा कहले पुलिस चाहिए जदि पुलिस चाहला हैदर को 5 दिन धरी पाइला मु 7 वर्ष ला न्याय कौन पाई पाई परबिनि आपण को मु प्रश्न पचार जे राज्य सरकार को प्रश्न पचार छी जे तु 5 दिन हैदर को धरी दे पारिला 7 वर्ष लाणी जने मर्डर आसामी को केमिति धरी परनी से पुनी मंत्री कर मु आपण को न्यूज को देई छी मंत्री को पाखरे बसी सभा समिति रे फोटो उठौ छी मंत्री को पाखरे आज्ञा पुलिस सेटी केमिति धरिबो आइनिटा जे तयारी कर छी आइन मंत्री से बा आइन मंत्री को शरण रे आउ पुलिस आज्ञा केमिति धरिबो पुलिस आज्ञा आइ पूरा मंत्री को चाप रे पूरा चेपा आज्ञा सबुठो आज्ञा सबु कथा बात महांगा पुलिस आउरी चेपा आज्ञा महांगा पुलिस पूरा अपारगता आज्ञा ओके अनंत महंती आपन थ जानबा को चाहू जे प्रकृत रे हम राज्य पुलिस कोन एते अपारक जे जने जने भाई अभिजोग करूछन जे 7 वर्ष होला तांको भाई को हत्या करा जाय छी 7 वर्ष होला से न्यायिक प्रक्रिया रे दौड़ुछंती केतेबेले डीजी का द्वारस्थ होती केतेबेले राज्य मुखिया मुख्यमंत्री का द्वारस्थ होती किंतु एपर्यंत तांको न्याय मिलूना जी पीड़ित सी आम सम्मुखरे तांको कथा रखुछंती
ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଘଟଣାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଘଟଣାକୁ ଆମେ କଣ ତାକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବା କି? ସେ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ସେ ଉଠାଉଥିଲେ ହାଇଦରକୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଧରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପୋଲିସ କଣ ହାଇଦରକୁ ପଠେଇଥିଲା ଯେ ତାପରେ ଜାଣିଦେଲା, ଠିକଣା ଜାଣିଦେଲା ନେଇ ଆସିଲା କି? ନହେଲେ ସେଇ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ପୋଲିସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ହାଇଦରକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ, ସେ କଥା ତ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଲେଣ୍ଟ ଭାଇପର ବୁଢା ସାପ କୋଉ ଗାତରେ ଶୋଇଥିଲା, ଯାଇ ଝିକି ଆଣିଲା ସିପି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୁରା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ, ଆଜି ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ରହୁଛି? କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଉଠୁଛି କେବଳ ମହାଙ୍ଗାରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଦଶ ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ତୁଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ସଂଗଠନ ସହିତ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ। ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିଲା କେବଳ ଆଉଥରେ ପୀଡିତ ମାନଙ୍କର, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆମେ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରି କହିପାରିବାନି ମଧ୍ୟ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଦକ୍ଷ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ସ୍ଥିତି କଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ସ୍ଥିତି ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନଟିଏ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପୁରା ଜିରୋ। ତଳେ ଦିନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏସ୍କେ ହାଇଦରକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଖସେଇଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ 100% ସିଓର, କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୋଡିନେସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ରହିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ପୁଅ କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ କି କାହାର ଝିଅକୁ କିଡନାପ୍ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ 15 ଅଧିକ ପରିବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଜିପି, ଏସ୍ପି, ଡିଆଇଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଦିମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସାମୂହିକ ଭାବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେପରି ଭାବେ ହେଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ଅଘୋଷିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଲେଣି, ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କାମ ହେଉନି। ଥାନାକୁ ଯିବେ, ମୋ ସରକାର କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଆମେ ଆମ ସରକାର, ଆରେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋ ଇଗୋ, ଆରେ ଏଇ ରାବଣ ଇଗୋ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ କରୁଥିଲେ, ମୋ ବୋଲୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ବ ମୋ ସରକାର ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି 5G, 5G ଗଲା କୁଆଡେ? ଏମାନଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଫେଲ ରହୁଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯୋଉ ପୀଡିତ ପରିବାର ଗତକାଲି ସାମୂହିକ ଭାବେ ବୈଠକ କରି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ନା? ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ? କିଛି ଅଂଶ
ଜୁଡିସିଆରି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ଯଦିନ ଜୁଡିସିଆରି ଟଳିଯିବ ସେଇଦିନ ସାରା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଫେଲୁର ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାର କାମ କଲେନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡିଜି ଏସ୍ପି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯଦି କାମ କଲେନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରିବନି, ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଘିଅ କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाणिग्राही वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित आलोचन में भाग नहीं थे। तत्सहित अनंत महांती वरिष्ठ सांबादिक दिलीप साहू जैक दीप्तिकांत साहू का भाई मंतव्य सामिल होते न्याय पर गुड़िक एकाठी होती लड़े करुंट आगे बाहरी कि भाव से पर व्यक्ति न्याय मिलू राज्य सरकार एपर्त न्याय दे पारिना राज्य पुलिस एपर्त न्याय दे पारे कि देखा बाकी रहा सतट पर न्याय पर वर्तमान केंथा अपनाऊ समय सरी मंतव्यक ये रखुचु। नमस्कार।